हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि अब आपको RBSE या CBSE, जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो है स्पेशली। जो RBSE के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन वो क्वेश्चन आपको अब चैप्टर वाइज मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? चैप्टर वाइज। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के RBSE में जितने भी ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, 2019, 18, 17, 12, 13, 11, 10, जितने भी आपको अवेलेबल हैं नेट पर या कहीं पर भी आप जाओगे, वो सारे आपको क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे चैप्टर वाइज। तो इससे आप अपने चैप्टर की तैयारी चेक कर सकते हो कि आप कहाँ पर हो अभी, कितने पानी में हो, ठीक है ना। तुम्हारी तैयारी कैसी है, तुम आंसर दे पा रहे हो या नहीं। तो आपको सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से स्टडी कर लो, ठीक है। मैं वीडियो को थोड़ा फास्टली रिमूव कर रहा हूँ, आप फास्टली फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से, और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है, ठीक है ना। तो आपको दोनों ही पोर्शन अपने स्ट्रॉन्ग रखने हैं। 4 से 5 नंबर का चैप्टर है ये, RBSE में 4 नंबर का चैप्टर है। यहाँ से आपको 4 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। ड्राई सेल का क्लियर डायग्राम पूछ लिया, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इनोड सेल को कैलकुलेट करवा लेते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके भी आराम से क्वेश्चंस को देख सकते हो। 2017 में भी आपको एक न्यूमेरिकल पूछा है, इजी से न्यूमेरिकल आते हैं। तो आप पैटर्न को आप एनालिसिस कर लो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिन पर आपको अभी मेहनत करनी है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके बहुत अच्छे हैं, आप इनसे देख सकते हो, ठीक है। RBSE 2015, यहाँ पर आपको सप्लीमेंट्री के भी पेपर दिए हुए हैं। जो सप्लीमेंट्री पेपर लगते हैं उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। कोलराउस लॉ पूछ रखा है, रस्टिंग प्रोसेस ऑफ आयरन, डैनियल सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2012, 13। ये देखो फिर से एक न्यूमेरिकल, और ये पैटर्न हो गया है रिपीट। यही क्वेश्चन 2012 में है, और यही क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन का पैटर्न 2017 में भी है। तो आप ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, इस तरीके का पैटर्न आपको मिल सकता है। तो वही हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको क्वेश्चंस का पैटर्न, न्यूमेरिकल्स का पैटर्न अगर आपको पता चल जाए तो वही आपको बहुत हेल्प करेगा आगे के लिए। 2010 देखो, एग्रीकल्चर भी है, 2010 एग्रीकल्चर का जो क्वेश्चन है, फेराडे लॉ के दोनों मैथमेटिकल फॉर्म पूछ लिए आपसे, है ना। और ये 2010 के क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे और आप इनके आंसर लिखोगे। और अगर आपको इनके सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपके हाथ में मोबाइल है, आपकी उंगलियां बहुत फड़फड़ा रही हैं, पता है मुझे। लिखो, आराम से टाइप करो अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो, और मैं आपके लिए सॉल्यूशन भी अवेलेबल कराऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो 2018 सप्लीमेंट्री के भी आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। नेट पर आपको 20 चीज़ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब से आपको हर चैप्टर के क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के जितने भी हैं, एक एक चैप्टर के मैं अपलोड करने वाला हूं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हो गए हैं, अगला आपको सॉल्यूशन का वीडियो मिलेगा जिसमें आपको RBSE के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। CBSE वाले बच्चों, आप भी परेशान मत हो, आपके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको चैप्टर वाइज आपके लिए अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आप बस अपनी तैयारी पर ध्यान दो और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें, क्या है बस हम पता चल जाता है कि बस जो हम कंटेंट बना रहे हैं वो आपके काम आ रहा है, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
गुड बाय।